आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे जीपी का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 2a+1, a, 3a+2 आर इन जीपी। तो यहां पर हमें तीन नंबर्स दिया है, एक है 2a+1, दूसरा है a और तीसरा है 3a+2। ये तीन नंबर्स किसमें है? जीपी के फॉर्म में है। तो हमें ए की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर हमें दिया है कि किसी की जनरल फॉर्म लेते हैं कि एक्स वाई जेड, ये हमें दिया है कि जीपी में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जीपी का। किसी भी जीपी दिया है तो उसका फॉर्मूला ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी दिया है कि 2a+1 a और 3a+2 जीपी में है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके साथ इसका मल्टीप्लाई लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा। तो अब हम इक्वेशन को लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या आएगा? 2a+1 मल्टीप्लाइड बाई 3a+2, इसका आंसर क्या होगा? इक्वल होगा ए स्क्वायर के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 2a के साथ 3a मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6a स्क्वायर, 2a के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4a, 1 के साथ 3a मल्टीप्लाई होगा तो 3a, तो 4a और 3a मिला के क्या मिलेगा? 7a, और कॉन्स्टेंट क्या आएगा? 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, यहाँ पर ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर 1 को तो ले लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो होगा 5a² + 7a + 2 = 0। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई के लिए ये बीच में जो टर्म है 7a, इसको ब्रेक करेंगे 5a और 2a में, तो 5a² + 5a + 2a + 2। अब इसका सोल्यूशन यहाँ पर लेते हैं, दाहिने तरफ राइट साइड पर लेते हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पर 5a² पहले जो दो टर्म्स है 5a² और 5a, यहाँ से 5a कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5a कॉमन लिया, a+1, 2a और 2 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? सिर्फ 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा? a+1 = 0। अब पूरा जो टर्म है इससे हम क्या कॉमन लेंगे? a+1, और हमें क्या मिलेगा? 5a + 2 = 0। a का वैल्यू क्या आएगा? a = -1 और -2/5, ये दोनों सॉल्यूशन आ गया हमारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि a का वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम -1 को प्लेस करेंगे फिर देखेंगे क्या आ रहा है, फिर -2/5 को प्लेस करेंगे फिर देखेंगे कि जीपी आ रहा है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा, कोई भी आंसर हो तो उसे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले -1 को, तो हमें पहले के लिए क्या मिलेगा? अगर a का वैल्यू है -1 तो हमें क्या मिल रहा है? 2a मतलब -2 + 1 दैट इज -1, फिर -1 और फिर 3a+2 मतलब -3+2। तो ये तीन नंबर्स एक ही है तो ये तो जीपी में हो सकते हैं, पर ये जनरल फॉर्म नहीं है। यहाँ इसको भी ले सकते हैं कि a -1 होगा तो तीनों का नंबर एक ही हो गया, यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है कि तीनों अलग होंगे कि यूनिक होंगे, तो हम इसको भी ले सकते हैं। और अगर a का वैल्यू हमने ले लिया -2/5 तो हमें क्या मिल रहा है? पहले के लिए मिल रहा है -4/5 तो 1/5, फिर मिलेगा -2/5, और फिर -2/5 हम प्लेस करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा? -6/5 तो हमें मिलेगा 4/5। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर -2/5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पर -2/5 हुआ, तो जो जीपी का सीरीज आएगा उसका कॉमन रेशियो हो गया -2/5, तो ये भी जीपी में है। तो हम क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए या फिर इसका वैल्यू क्या होना है, तो हम दोनों को यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन करेक्ट आंसर के रूप में ले सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।